अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बेसिकली ये कुछ बेसिक रूल्स हैं और इन रूल्स की मदद से आप अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पहला रूल ये है कि व्हेन द वी हैव ए द पावर एम मल्टीप्लाई ए द पावर एन इज इक्वल टू ए द पावर एम प्लस एन, इट मीन्स दैट व्हेन वी हैव द बेसिस सेम इन प्रोडक्ट द पावर विल बी एडेड। यानी कि जब कभी भी हमारे पास दो बेस सेम होंगे, इट मीन्स दैट टू द पावर टू मल्टीप्लाई बाय टू द पावर थ्री, सो इट विल बी इक्वल टू टू द पावर टू प्लस थ्री, इट मीन्स दैट टू द पावर फाइव। सो जब कभी हमारे पास बेस सेम होंगे तो उनकी पावर हमेशा प्लस हो जाएगी। और इसी तरीके से डिवीजन में जब हमारे पास दो सेम बेसिस होंगे, उनकी पावर वॉट एवर कुछ भी हो, वो डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ए दी पावर एम डिवाइड बाई ए दी पावर एन इज इक्वल टू ए दी पावर एम माइनस एन। एंड हियर वी हैव थर्ड लॉ, ए बी दी होल पावर एन। जब कभी हमारे पास जब दो बेस प्रोडक्ट में हो और उनकी कोई होल पावर हो तो वो इनकी इंडिविजुअल पावर होगी। यही चीज़ प्रोडक्ट में और यह फिर फोर्थ लॉ, यही चीज़ डिविजन में भी। ए अपॉन बी दी होल पावर एन इज इक्वल टू ए दी पावर एन और बी दी पावर एन, और इन दोनों का एक मर्जर है। फॉर एग्जाम्पल ए बी अपॉन सी, सपोज ए की बेकवा की मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं डिवाइड भी हो रहे हैं, उनकी कोई होल पावर है, तो ये इन सब की इंडिविजुअल पावर होगी। ए दी पावर एन बी दी पावर एन अपॉन सी दी पावर एन। और इसके अलावा ए दी पावर जीरो इज इक्वल टू वन, एनी बेस विच हैव पावर जीरो, सो द आंसर विल बी वन। इसका प्रूफ करने के लिए एक छोटी सी चीज़ है, ए दी पावर जीरो इज इक्वल टू वन। वी नो दैट जीरो इज इक्वल टू वन माइनस वन, सो ए दी पावर वी कैन पुट हियर वन माइनस वन इज इक्वल टू वन। देन वी नो दैट बाय दिस फॉर्मूला ए दी पावर एम माइनस एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन एन, सो ए दी पावर वन माइनस वन इज इक्वल टू ए दी पावर वन अपॉन ए दी पावर वन is equal to 1, so a will be reduced by itself, so 1 is equal to 1, hence proved.